हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ, जो मुझसे आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा था, जो मेरी कायमेरा वाली वीडियो थी उस पे, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कायमेरा एंड हाइब्रिड। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कायमेरा एंड हाइब्रिड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो कायमेरा है और हाइब्रिड है, उनमें क्या डिफरेंस है, कि क्या ऐसी चीज़ है जो उनको अलग किया गया है। ठीक है, उन दोनों को अलग अलग वर्ड दिया गया है, या फिर वो दोनों ही अलग चीज़ हैं। तो कायमेरा क्या है? जब कायमेरा प्रोड्यूस कैसे होते हैं? कायमेरा में जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, कोई फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनिज्म है ए, दूसरा ऑर्गेनिज्म है बी, जब हमने ए ऑर्गेनिज्म के अंदर बी ऑर्गेनिज्म के सेल्स को इंटीग्रेट करवा दिया है, ठीक है, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये हम इंटेंशनली करवा रहे हैं, ये हम लेबोरेटरीज में करवा रहे हैं, या फिर ये जो नेचुरली भी जो हो रहा है ये, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक पार्ट नहीं करेगा। तो सेल्स दूसरे सेल्स को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल्स को अगर हमने डाला है तो वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, और या फिर अगर नेचुरली हमने कायमेरा का एग्जाम्पल जो देखा था कि मदर है, मदर के केस में, या फिर मदर कभी अपने फीटस के सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फीटस मदर के सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये नेचुरली हो रहा है, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा है। अगर हम आर्टिफिशियली भी इसको करवा रहे हैं तो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो बॉडी के सेल्स हैं, वो बॉडी के सेल्स दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो एज इट इज़ रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऑर्गेनिज्म के सेल्स देखने को मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कायमेरा। वहाँ पे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बट अगर हम हाइब्रिड का केस ले लें, तो हाइब्रिड के केस में हमें क्या देखने को मिलता है? वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो अलग अलग स्पीसीज में, तो उसका रिजल्ट होता है क्या? हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड का जब फॉर्मेशन होता है उसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यही मेजर डिफरेंस है कायमेरा और हाइब्रिड में। कायमेरा में नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स इन कायमेरा, इन केस ऑफ कायमेरा। बट इन केस ऑफ हाइब्रिड देयर विल बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स, देयर विल बी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, तो हाइब्रिड का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, तो हाइब्रिड का एग्जाम्पल क्या है? म्यूल हम लेते हैं, म्यूल सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, हाइब्रिड का, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में खच्चर भी बोलते हैं। तो म्यूल कैसे डेवलप होता है? जब फीमेल हॉर्स और मेल जो डंकी होता है वो आपस में क्या कर लेते हैं? इंटरब्रीड कर लेते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? हमें म्यूल मिलता है। जो हाइब्रिड्स होते हैं, जनरली ये देखा जाता है जो हाइब्रिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं, या फिर इनलेबाइल होते हैं, यानी कि वो वायबल नहीं होते हैं, कि अगर वो हाइब्रिड का डेवलपमेंट हो गया तो वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अगर रह भी रहे हैं, मतलब जिंदा भी हैं, तो वो फर्टाइल नहीं होते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से देखा है, इन केस ऑफ म्यूल वो इनफर्टाइल होता है, भले ही वो वायबल हैं बट दे आर इनफर्टाइल। तो यही मेजर डिफरेंस है कायमेरा और हाइब्रिड में, जो मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, कि कायमेरा में क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा, बट हाइब्रिड के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा, उसके बाद हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा। कायमेरा में सिंपली हमने एक और दो कोई ऑर्गेनिज्म के सेल्स ले लिए, उनको आपस में लेबोरेटरीज में इंटीग्रेट करवा दिया। अब अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, जिस सेल में हमने जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटीग्रेट करवाया, उसने उसके सेल्स को एक्सेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो लाइफ टाइम उसकी बॉडी में वो सेल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कायमेरा। मैंने कायमेरा के केस में एक एग्जाम्पल भी दिया था, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाते हैं, आर्टिफिशियल कायमेरा का एग्जाम्पल है वो, कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ पर्सन कोई, मैंने किसी और पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप ले लिया है, तो उस टाइम के लिए मैं आर्टिफिशियल कायमेरिक हूँ, ठीक है। मेरे बॉडी में मेरे सेल्स भी हैं और उसके दूसरे पर्सन के सेल्स भी मेरी बॉडी में अभी हैं, ठीक है, उस टाइम कुछ टाइम तक, तो कुछ टाइम तक मैं क्या रहूँगी? आर्टिफिशियल कायमेरिक हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल है
काय में रखा। और ये डिफरेंस जो ये वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने आप लोगों को डिफरेंस क्लियर करना चाहा है हाइब्रिड और कायमेरा के बीच में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है और कायमेरा में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को भी पूछने हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उनका आंसर करने की। मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको पर्सनली रिप्लाई करने से अच्छा मैं एक वीडियो बनाऊँ जिससे जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, जितने स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे उन सबको डेफिनेटली फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।